हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस स्टडी चैनल। इससे पहले लेक्चर में आपको प्री हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक पढ़ा दिया था। हिस्टोरिक पीरियड चल रहा था, ठीक है। हिस्टोरिक पीरियड में जो है वो आपको बता रहा था कि जो है हिस्टोरिक पीरियड तीन पार्ट में, आर्कियोलॉजिकल, फॉरेन और ये लिटरेचर जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया हिस्टोरिक पीरियड को, यानी जो सोर्सेज हमें मिले, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स था, फॉरेन ट्रेवलर उनसे जो सोर्स मिले, और लिटरेचर सोर्स थे, उन्हीं के बेसिस पे हमने हिस्ट्री का आगे कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स आपको बता दिया था क्या क्या थे, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको जो है रिटर्न एडिक्ट जो थे वो बता दिया था। रिटर्न एडिक्ट के बाद फॉरेन ट्रैवलर हो गए थे, चाइनीज ट्रैवलर, मुस्लिम ट्रैवलर। उसके बाद में लिटरेचर बता रहा था आपको, ठीक है। लिटरेचर में ब्राह्मण बताया था, ब्राह्मण ग्रंथ, नॉन ब्राह्मण में बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये आपको बता दिया। इस्लाम के ग्रंथ भी बता दिए थे। नॉन रिलीजियस में क्या है, ये आपका अर्थशास्त्र, ये भी आपको बता दिया था इससे पहले, ठीक है। नॉन ब्राह्मण में आपको ये आपको सारी चीजें बताई दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में ये जातक ग्रंथ क्या था, ललित विस्तार, ये भी आपको बताया था। उसके बाद में फिर आपको वेदा बताया था, वेद के बारे में बता रहा था कि वेद जो है क्या चीज, वेद है, वेद कितने तरीके के वेद होते हैं, यानी चार वेद होते हैं, ठीक है। फोर वेदा, ये आपको बताया दिया था कल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको बताया था ऋग्वेद और उपवेद, ये चार वेद हैं, ऋग्वेद है और ये इसके उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। उसके बाद फिर आपको बताया था वेद और उपवेद, यानी उपवेद के साथ में इसके जो है प्रिस्ट यानी ज्ञाता यानी टीचर को क्या बोलते हैं। तो ऋग्वेद के होते थे सामवेद के उद्गाथा, यजुर्वेद के अथर्व्यु अथर्व्यु और ब्रह्म, और जो है अथर्ववेद के कौन थे, ब्रह्मा। आयुर्वेद के जो ज्ञाता थे यानी जो प्रिस्ट थे, जो टीचर थे, उनको प्रजापति बोलते थे। गंधर्व वेद के नारद थे, धनुर्वेद के कौन थे, विश्वामित्र, और शिल्प वेद के कौन थे, ये थे विश्वकर्मा, ठीक है। फिर आपको वेद और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ बता दिए थे। अब इसके बाद देख लेते हैं वेदांग, आपको बताया था कि आगे जो है वेदांग पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है, वे है वेदांग, ठीक है। यानी वेदों के अंग कितने अंग होते हैं वेद के, तो ये है आपका व्याकरण। पहला क्या है, व्याकरण, ठीक है। व्याकरण इसको क्या बोलेंगे, ग्रामर, ठीक है। ग्रामर किसने लिखा था, ये था व्याकरण को, और क्या था, ये था अष्टाध्यायी, इसको क्या बोलते हैं, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी, ठीक है। व्याकरण क्या बोलते हैं, अष्टाध्यायी, किसने लिखा था, ये था पाणिनि ने लिखा था, पाणिनि, पाणिनि, ठीक है। हिंदी में इसको पाणिनि लिखते हैं, ठीक। दूसरा जो था वो था ज्योतिष, ज्योतिष इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक। इसको बोलते हैं निरुक्त शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, ठीक, सॉरी अष्टमी, सॉरी ये था ज्योतिष, ठीक है। ज्योतिष को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, और इसको बोलते हैं बृहद संहिता, बृहद, ठीक है, बृहद संहिता, ठीक है। इसको लिखा था वारामिहिर ने, वारामिहिर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है निरुक्त शास्त्र, ठीक है, निरुक्त शास्त्र, इसको बोलते हैं एटिमोलॉजी, एटिमो लोजी, ठीक है। निरुक्त शास्त्र को बोलते हैं, क्या लिखते हैं इसको, निरुक्त शास्त्र ही बोलते हैं, निरुक्त शास्त्र। अगले जो है वो है शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको फोनेटिक्स बोलते हैं, फोनेटिक्स,
पांचवा है कल्प शास्त्र। ठीक है, इसको कल्प शास्त्री बोलते हैं। शास्त्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिचुअलिस्टिक साइंस, रिचुअलिस्टिक साइंस। ठीक है, और लास्ट छठा क्या है, इसको बोलते हैं छंद शास्त्र, छंद। ठीक है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, छंद शास्त्र। ठीक है, हो गया। छह वेदांग, वेदांग कितने होते हैं, सिक्स। ठीक है, व्याकरण हो गया, ग्रामर, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, निरुक्त शास्त्र हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, कल्प शास्त्र हो गया, और छंद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रामर हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, निरुक्त हो गया, एटोमोलॉजी हो गया, फोनेटिक्स हो गया, रिचुअलिस्टिक साइंस हो गया, और मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अष्टाध्यायी किसने लिखा था, पाणिनि ने, और बृहत संहिता कौन सा राइटर, ये थे बारह मिहिर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है इसकी याद करने की, देखो, ब्याजो, ठीक है, निशि, कच्छ। ठीक है, व्याजो निशि कच्छ, व्याजो निशि कच्छ, चार बार याद आप बोलेंगे याद हो जाएगा, व्याजो निशि कच्छ, व्याजो निजी कच्छ, कच्छ, व्याजो निजी कच्छ। ठीक है, व्या का मतलब हो गया व्याकरण। ठीक है, ज्यो का मतलब हो गया ज्योतिष। ठीक है, उसके बाद आपका नी का मतलब हो गया निरुक्त। ठीक है, शी का हो गया शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, और कच्छ यानी कल्प शास्त्र, और ये छंद शास्त्र। ठीक है, ब्याजो निशि कच्छ, चार बार बोलेंगे, ब्याजो निशि कच्छ, ब्याजो निशि कच्छ, यानी व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त शास्त्र हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, कल्प शास्त्र और छंद शास्त्र। ठीक है, अब देख लेते हैं पुराण। ठीक है, अब आपका वेद खत्म हो गया, अब आता है नेक्स्ट जो है पुराण। ठीक है, पुराण आल्सो नोन एज, पुराण को क्या जानते हैं, और फिफ्थ वेदा, पांचवा वेद किसको बोलते हैं, पुराण को बोलते हैं। ठीक है, पुराण जो है वो टोटल जो है नंबर में कितने हैं, 13 इन नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमको सारे याद नहीं रखने, सिर्फ वही जो क्वेश्चन कह सकते हो पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण किसके बारे में है, ये विष्णु पुराण में जो है हमें मिलता है इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्य वंश। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे, विष्णु पुराण से। सेकंड है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में जो है हमें इन्फॉर्म मिलती है सातवाहना के बारे में, इंफॉर्मेशन अबाउट सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहन। ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी यानी सातवाहना, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बारे में हमें किससे मिलता है, मत्स्य पुराण से। ठीक है, और थर्ड वन है हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है वायु पुराण, वायु पुराण से जो है हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिलती है, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, यानी गुप्त वंश।
ठीक है। और ये जो मत्स्य पुराण है इसी में हमें जो है जो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इसी में जो है 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु भगवान, विष्णु गॉड के बारे में दिया था। ठीक है, यानी विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में किसमें मेंशन है, वो है मत्स्य पुराण में। ठीक है, तो और समुद्रगुप्त के घोड़े के बारे में भी जो है वो किसमें, वायु पुराण में मेंशन है, यानी गुप्त वंश का है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के जो घोड़ा था, ठीक है, उसके बारे में भी किसमें मेंशन है, वो है वायु पुराण में। ठीक, अब आपका देख लेते हैं, आपका वेद हो गया, उपवेद हो गया, वेदांग हो गया, ठीक है, उपनिषद देख लेते हैं, अब उपनिषद आपका बचा, पुराण भी आपको बता दिया, उपनिषद बचा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, उपनिषद, उपनिषद भी जो है ये लगभग टोटल कितने, लगभग 108 उपनिषद हैं। ठीक है, टोटल 108 हैं, बट रिकॉग्नाइज्ड कितने को किया गया है, ठीक है, लेकिन मान्यता केवल 13 को दी गई है। टोटल उपनिषद तो 8 हैं, लेकिन उपनिषद के रूप में मान्यता 13 को दी गई है। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद मतलब उप मतलब बैठ, उप मतलब नजदीक, और निषद मतलब बैठना, यानी किसी गुरु के नजदीक बैठ के जो ज्ञान लिया गया हो, यानी उपनिषद के बारे में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्वायर नॉलेज, ठीक है, बाय सिटिंग नियर गुरु, ठीक है, गुरु के पास यानी गुरु के नजदीक बैठ के जो ज्ञान लिया था उसको क्या बोलते हैं, उपनिषद। और इसमें पहला उपनिषद जो है, फर्स्ट उपनिषद है बृहद रायन, ठीक है, बृहद रायन, ठीक है, यह इसको बृहद नारायण भी बोलते हैं, बृहद रायन या बृहद नारायण। ठीक है, और जो लास्ट था वो है अलोपनिषद, लास्ट वन कौन था, अलोपनिषद, लोक निषद, ठीक है, आलोपनिषद। आलोपनिषद जो है ये किसके टाइम पे लिखा गया था, ये लिखा गया था अकबर के टाइम पीरियड में। ठीक है, आलोपनिषद कब लिखा गया था, ड्यूरिंग, सॉरी, अकबर टाइम पीरियड। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछता है, पहला बृहद रायन था या बृहद नारायण, ठीक है, लास्ट जो था वो आलोपनिषद था जो अकबर के टाइम पीरियड में लिखा गया था, ये क्वेश्चन पूछता है, पहला उपनिषद तो बृहद रायन था, ठीक है, लास्ट कौन था, आलोपनिषद, आलोपनिषद किसके टाइम पीरियड में लिखा गया था, ये अकबर के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछता है, ये है कठोपनिषद से, कठोपनिषद, कठोपनिषद क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें यम और नचकेत के बारे में लिखा है। ठीक है, यम एंड नचकेत, अगर आपको यम और नचकेत नहीं पता है कौन है तो एक बार यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कीजिएगा स्टोरी अबाउट यम एंड नचकेत, ठीक है, तो उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और इसमें क्या है, यम एंड नचकेत के बारे में स्टोरी लिखी हुई है, और ओम, ठीक है, ओम शब्द भी जो है वो किस में लिखा है, वो कठोपनिषद में लिखा है। ठीक है, अगला जो फेमस है वो है मुंडकोपनिषद,
मुंडकोपनिषद, ठीक है। ठीक है, मुंडकोपनिषद क्यों फेमस था? क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो टाइटल लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते स्लोगन, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। और जो लास्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जलोपनिषद। जलोपनिषद क्यों फेमस है? क्योंकि जलोपनिषद जो है इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में वर्णन है। ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, ठीक है। तो जलोपनिषद क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में वर्णन है, इसलिए ये जलोपनिषद फेमस है। याद रखना, आपको तीन चीजें याद रखनी है। उपनिषद जो है तीन, कठोपनिषद इसमें जो है यम और नचिकेत के बारे में है, और ओम का भी जो है यहीं से कह सकते हो कि ओम जो है कठोपनिषद से ही लिया गया है, ठीक है। ओम के बारे में भी जो है वो कठोपनिषद में ही वर्णन है। मुंडकोपनिषद जो है इसमें क्या है, सत्यमेव जयते टाइटल लिया गया है। जलोपनिषद क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का वर्णन है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। अब आपका हो गया स्मृति लिटरेचर, ठीक है, यानी स्मृति साहित्य, स्मृति। अगला क्या है, ठीक है, स्मृति लिटरेचर जाने से पहले देख लेते हैं जो है सीक्वेंस क्या है, ठीक है, जो वैदिक लिटरेचर है उनका सीक्वेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया इससे कि सीक्वेंस में लगाना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ जो वैदिक लिटरेचर है उनका, वैदिक लिटरेचर का सीक्वेंस, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा संहिता, ठीक है, पहले आएगा संहिता, ठीक है। संहिता के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आएगा अरण्यकास, ठीक है, अरण्यकास, अरण्यकास के बाद आएगा उपनिषद। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कहीं ये चीज पूछता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक अघन्य, ऋग्वेद में अघन्य वर्ड मेंशन है, क्या है, अघन्य, ठीक है, कहाँ मेंशन है, ये है ऋग्वेद में। मीनिंग क्या होता है, काउ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि अघन्य ऋग्वेद में मेंशन है, अघन्य, अघन्य का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है काउ यानी गाय। अब आपका देख लेते हैं स्मृति लिटरेचर, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका स्मृति लिटरेचर, ठीक है, स्मृति साहित्य, ये टोटल कितने थे, 36 इन नंबर, संख्या में कितने, 36, ठीक है। अब इसमें हम सारे तो देखेंगे नहीं, 36 जो पूछा जाता है एग्जाम में, हम वही चीज देखेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज देखेंगे। तो एक क्या है, नंबर वन पे है यज्ञवल्क्य, ठीक है, यज्ञवल्क्य या यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य या इसको बोलते हैं यज्ञ वल्क्य, ठीक
है, यज्ञवल्क स्मृति। ठीक, दूसरा जो फेमस है वो है मनुस्मृति, इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, मनुस्मृति में क्या मेंशन था, मनुस्मृति में जो एज डिफाइन की गई थी मैरिज के लिए, ठीक है, मैरिज एज क्या लिखा गया था, ये था 25 ईयर्स जो था, ये किसके लिए था, ये मेल के लिए था, ठीक है, और फीमेल के लिए क्या था, 12 ईयर्स। सोचिए कितना गलत था उस टाइम पे, आप मेल के लिए एज क्या रखना है, 12 साल, और फीमेल के लिए 25 साल। ठीक है, और मनुस्मृति में ही 8 टाइप ऑफ मैरिज है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि मनुस्मृति में कितने टाइप की मैरिज है, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछता है कितने टाइप की, 8 टाइप ऑफ मैरिजेस उसमें है। ठीक है, कौन कौन सी हैं, तो आप एक बार इसको गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, 8 टाइप ऑफ मैरिजेस जैसे आप लिखेंगे वैसे आपके सामने आ जाएगा, और इसमें क्या है, 16 संस्कार भी इसी में लिखे हैं। ठीक है, 16 संस्कार यानी 16 सेरेमनी, यानी मरने से पैदा होने से लेकर के और मरने तक, जैसे मुंडन संस्कार है, ठीक है, जनेऊ संस्कार है, ठीक है, मरने पे जो होता है वो सारे संस्कार इसमें किसमें मेंशन है, वो है मनुस्मृति में। ठीक है, तो आप 16 संस्कार और जो है 8 टाइप ऑफ मैरिज आप गूगल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी मिल जाएंगी, यहाँ पे ना पूछा जाता है और पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और मनुस्मृति में ही 4 पुरुषार्थ मेंशन है, 4 पुरुषार्थ। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा 4 पुरुषार्थ। ठीक है, नहीं पढ़ाया तो सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम और इसको, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये किसमें मेंशन है, ये है आपका मनुस्मृति में। ठीक है, और इसी में आपके 4 आश्रम हैं। चार आश्रम मेंशन है, ठीक है, कौन से, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट क्या है, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। ठीक है, इसमें जो इस लिखा गया, बताया गया था 5 से 25, 0 से 25 नहीं, याद रखिएगा, 5 से 25 साल के बीच में आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी आपको शिक्षा ग्रहण करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका 25 से लेकर के और 50 तक, 25 से 50 साल तक आपको क्या करना है, गृहस्थ जीवन बिताना है, शादी करनी है, बाल बच्चे करने हैं। ठीक है, उसके बाद 50 साल जैसे पूरे होते हैं, आप 50 साल से जो है 75 साल तक आप जो है जंगल में निवास करेंगे, घर आपको त्याग देना, वानप्रस्थ का मतलब होता है आप जंगल, घर जो है त्याग देंगे। ठीक है, और जो लास्ट है यानी 75 से और जो है 100 साल तक, इसमें क्या था, आपको संन्यास ले लेना, यानी अब आपको जो है संन्यासी बन जाना है, घर के आसपास कहीं नहीं रहना है। ठीक है, एकदम आपको कह सकते हैं आप एकदम गायब हो जाना आपको समाज से। ठीक, ठीक है, अब आगे देख लेते हैं जो है।
महाकाव्य, ठीक है, सॉरी अगला क्या बचता आपका, महाकाव्य, महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य में आपके दो फेमस है, एक है क्या रामायण, ठीक है, रामायण किसने लिखा था, वाल्मीकि ने, सबको पता है, इनका अगर टाइम पीरियड देखा जाए कब से कब तक, तो ये लगभग 400 BC से 300 AD के बीच का है, जो साक्ष्य मिले हैं रामायण के, वाल्मीकि रामायण के वो लिखने का जो साक्ष्य मिला है वो लगभग 400 से 300 BC के, 400 BC से 300 AD के आसपास। मतलब ये है कि रामायण देखो 400 BC से और 300 AD लगभग कितना हो गया, 400 साल इधर 300 साल इधर, यानी 700 साल तक तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि रामायण में कुछ ना कुछ चीजें बाद में ऐड की गई होंगी, जो वाल्मीकि ने खुद लिखा वो अलग होंगी, और उसमें बाद के कुछ कांड या कुछ चीजें जो होंगी वो बाद के लोगों ने ऐड की है, ठीक है। तो ये माइंड में आप रखना, ठीक है, कि संपूर्ण रामायण जो है वाल्मीकि नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर उसका टाइम पीरियड स्टार्टिंग का 400 BC मिला और लास्ट के कुछ पेजेज हैं जिनके टाइम पीरियड जो 300 AD दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 700 साल कोई जिंदा नहीं रहता, जरूर कोई ना कोई किसी ना किसी ने उसमें बाद में कुछ चीजें ऐड की होंगी, कुछ कांड, ठीक है। तो रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड, और ऐसा कहा भी जाता है कि उत्तर कांड के बाद में जो है लंका दहन तक जो है वो वाल्मीकि ने लिखा था, और बाद में किसी और लोगों ने उसमें ऐड किया, लेकिन नाम जो है वो वाल्मीकि का ही रख दिया है, ये वाल्मीकि ने ही लिखा है। जैसे आप गालिब के आजकल बहुत शेर पढ़ते होंगे ना, कोई भी लिख दे, कोई भी शेर कोई कहीं भी लिख दे और उसके नीचे गालिब लिख दे, तो आपको क्या लगता है कि ये गालिब नहीं लिखा होगा, जब तक आप उसकी खोजबीन जांच पड़ताल नहीं करते। अब गालिब तो जिंदा है नहीं, तो क्या पता गालिब ने लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन अगर बहुत सालों से चला आ रहा है, इंटरनेट पर पढ़ा है कि हाँ गालिब ने लिखा, तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये गालिब ने लिखा होगा, ठीक है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। इसमें 7 कांड, रामायण में 7 कांड है, और ओरिजिनल जो था रामायण उसमें माना जाता है कि 12,000 जो है हिम्स थे, यानी श्लोक कितने थे, 12,000 ओरिजिनल तौर पर, लेकिन बाद में इसको 24,000 कर दिया गया, ठीक है, लेटर कितने हो गए हिम्स, 24,000। तो जाहिर सी बात है किसी ने 12,000 से 24,000 किया, तो किसी ने उसमें 12,000 और जोड़े होंगे, ठीक। लार्जेस्ट कांड कौन सा जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लार्जेस्ट कांड है इसमें, वो है युद्ध कांड, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कांड कौन सा है, वो है सुंदर कांड, ठीक है। अगर आपको जानना है कि कितने कांड हैं रामायण में, 7 कांड कौन कौन से, तो आपको एक बार गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, टाइम आपका वेस्ट होगा, ये बस आपको उतनी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला जो है महाकाव्य वह है महाभारत, महाभारत, ठीक है, महाभारत को लिखा वेद व्यास जी ने, वेद व्यास, ठीक है, इसके लेखक कौन है, वेद व्यास। इसका भी टाइम पीरियड जो मिलता है ना कि 400 से 400 BC से लेकर के 400 AD तक का, ठीक है। और वेद जो है ये कब का है, ये द्वापर युग, रामायण माना जाता है ये त्रेता युग का है अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी, ठीक है, त्रेता युग। और महा महा सॉरी महाभारत जो है ये द्वापर युग का माना जाता है, ठीक है। एक चीज और, रामायण जो लिखा था वाल्मीकि ने, लेकिन जो है रामचरितमानस एक क्या था, रामचरितमानस ये किसने लिखा था, रामचरितमानस ने लिखा था किसने, तुलसीदास जी ने,
है, तो ध्यान रखना, रामायण लिखा था वाल्मीकि ने और रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। ठीक है, महाभारत के बारे में देख रहे थे। महाभारत जो है बताया जाता है कि 18 डेज युद्ध चला, 18 दिन जो है युद्ध इनका चला महाभारत का। ठीक है, 18 दिन जो है युद्ध चला, तो इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, 18 लेशन। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो 18 दिन युद्ध चला, 18 दिन जो कृष्ण जी ने उस युद्ध में कहा, उसी को क्या बोलते हैं कि 18 पर्व बोलते हैं। ठीक है, या इसी को लेसन बोल देते हैं या बुक्स भी बोलते हैं, 18 बुक्स, 18 बुक्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लेसन जो है इसमें, या इम्पॉर्टेंट लेसन कहें या बुक कहें, ठीक है, वो क्या है, वो है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, भीष्म पर्व को ही बोलते हैं भगवद गीता। भगवत गीता ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम भीष्म पर्व बोलते हैं, भीष्म पर्व को ही क्या बोलते हैं, भगवत गीता। ठीक है, इसमें भी स्टार्टिंग में कितने थे, पहले इसमें बताया जाता है कि मतलब 8,800, सॉरी सॉरी 88,000 पहले श्लोक थे इसमें। ठीक है, 88,000 थे वर्सेस थे इसमें। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, जय संहिता भी बोलते हैं, जय संहिता। पहले क्या थे, ओरिजिनल कितना था बोला जाता है इसमें, ओरिजिनल 88,000 थे, लेकिन बाद में कितने हो गए, बाद में इसमें 1 लाख ही हो गए। ठीक है, 1 लाख वर्सेस हो गए। ठीक है, अभी कितने हैं, अभी 1 लाख, लेकिन ओरिजिनल कितने थे इसमें, 88,000। इसका मतलब बाद में भी जो है महाभारत में बाद में भी चीजें जोड़ी गई हैं, श्लोक जो है बाद में जोड़े गए। ठीक है, तो आज आपका ये चीज खत्म हो जाता है जो आपको अभी तक पढ़ा रहा था, यानी कह सकते हैं हिस्टोरिक पीरियड में कि हमें सोर्सेज कौन कौन से थे। तो सोर्सेज आपके खत्म हो गए, वो सोर्सेज जिससे हमें इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो सोर्सेज आपको मैंने सारे पढ़ा दिया, आर्कियोलॉजिकल हो गया, फॉरेन ट्रेवलर भी बता दिया, लिटरेचर में भी रिलीजियस नॉन रिलीजियस, ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण, जैनिज्म और बुद्धिज्म के सारे जो लिटरेचर वाले सोर्सेस है, लिटरेरी सोर्सेस थे, वो सारे आपको बता दिए। ठीक है, वेदों के बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया। अब आता है आपका अगला टॉपिक जो होगा, यहाँ पे आपका कह सकते हैं हिस्टोरिक जो है एविडेंसेस जो है वो खत्म हो गए, यानी एंड ऑफ हिस्टोरिक एविडेंसेस। ठीक है, और अब आपका स्टार्ट करेंगे कहाँ से, स्टार्ट करेंगे आगे वैदिक पीरियड से, वैदिक पीरियड या वैदिक एज से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है या कुछ और इन पे इस इम्प्रूव करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और ये चीज़ जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, उस बेल आइकन को प्रेस कर देगा जिससे जो है आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, और जो है फेसबुक का लिंक है, इससे आप हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, और ये टेलीग्राम का लिंक है, इससे आप हमसे जो है टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप फेसबुक में मैसेज करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।